हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो सुबह है तो मैंने नहा लिया है और मैं अपने जो कपड़े हैं ना, जो धुले थे, उन्हीं को मैं डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस समय बहुत ही धूप है बाहर, तो ये जो कपड़े हैं ना, ये आधे घंटे में ही सूख जाएंगे, तो फिर इनको मैं रख लूँगी अंदर। और ये बड़ी फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी बाकी है सूखने के लिए, तो मैं यहाँ धूप में रख दूँगी तो सूख जाएगी। और अभी मैंने अब चाय नहीं पिया है, और आज इनके पापा गए हैं वहाँ ताइना शादी है देवर जी की, काका ससुर की लड़के की, तो वहीं गए हैं अपने निजी गांव। आज गए हैं, हम लोग जाएंगे परसों के दिन जाएंगे, कल परसों। तो फ्रेंड्स, और बहुत धूप है बाहर देखिए। और चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और मैंने अपना जो पानी है और वो दवाई हम ले लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये शाम हो गई है, तो ये शाम को मैं जो झाड़ू में लगा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे बच्चे हैं मेरे घर में। ये जो बच्चे हैं ना, ये कल ही अभी नानी के घर से आए हैं सभी। और ये अलग अलग घर के बच्चे हैं, मतलब एक जेठानी के यहाँ के नाती हैं और एक ननंद जी के यहाँ के नाती नत्र है, तो वही आए हैं यहाँ खेलने। और पूरे घर में धूम मचा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और अंदर अभी गए हैं फ्रेंड्स। ये जो बच्चे हैं ना, ये घर इनके बिना सूना सूना लगता है, और इनके बिना घर भी अच्छा नहीं लगता है। ये देख फ्रेंड्स, हम लोग शाम को भी यहाँ पूरा जो बाहर है झाड़ू लगाते हैं, और जो द्वार में, जो इस समय गर्मी है ना फ्रेंड्स, अषाढ़ लग गया जैसे, तो पूरा आंधी तूफान धीरे धीरे चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हवा, तो पूरे कचड़े हो जाते हैं यहाँ, इसलिए शाम को भी झाड़ू लगाना पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इन लोग को, इन बच्चों को देखिए, ये सब नाचने में नंबर वन है, ये देखिए। और चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना अंदर का काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये अभी के मतलब ये कल किराना लाए थे, तो मैंने नहीं रखा था। तो फ्रेंड्स, ये किराना अभी कल ही लाए थे, तो इनको मैं अपनी जगह में रख दूंगी। अभी सब पूरे जो डिब्बों में है ना, अभी मैं नहीं भरूंगी फ्रेंड्स, बाद में भर लूँगी, जैसे जैसे मतलब ज़रूरत होगी वैसे ही मैं भर दूंगी। और फ्रेंड्स, हम लोग को भी जाना है गांव, तो उन्हीं की मैं तैयारी करूंगी अभी, क्योंकि बोले हैं कि आप भी आ जाइए, क्योंकि जेठानी जाने वाली हैं, तो जेठानी बोल रही थी कि तुम भी चलना साथ में, तो इसीलिए मैं भी जाऊँगी। और इस समय इतनी गर्मी होती है ना फ्रेंड्स, हम लोग के किचन में बहुत ही गर्मी होती है, क्योंकि ये जो किचन का जो सीट है ना, छत है जो, तो वो बहुत ही नीचे है, तो सीट जैसे जैसे गर्म होती है, तो वैसे ही गर्मी इस रूम में लगती है, किचन में हमारे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये देखिए शाम हो गया है, शाम नहीं मतलब 8 बज रहे हैं। मैंने अभी मतलब चाय नहीं पिया है, और इनके पापा है नहीं, चले गए हैं वहाँ शादी में गए हैं, तो चाय बनाने की मेरा मन ही नहीं किया। ये देखिए फ्रेंड्स, अंधेरा हो गया पूरा, देखिए। और चलिए फ्रेंड्स, मैं चाय पी लेती हूँ, अभी बनाई हूँ मैं चाय। और आज फ्रेंड्स, हम वही जो मैंने 2 दिन पहले बड़ी डाली थी ना, मिक्स दाल की, तो वही बड़ी आज मैं बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गर्मी है ना, तो जल्दी सूख गई है ये, आग में इसी की सब्जी बनाऊंगी। इतनी गर्मी पड़ती है फ्रेंड्स कि मतलब कुछ भी जैसे सूखने के लिए डालोगे तो जल्दी ही सूख जाएगा। तो
चलिए फ्रेंड्स मैं चाय पी लेती हूँ। अब मेरा जो शाम का जो रात मतलब जो काम वो हो गया है, बस खाना बस बनाना है, तो मैं चाय पीकर फिर खाना बनाऊंगी, वही सब्जी और देखते हैं क्या बनाते हैं, चावल की रोटी। और फ्रेंड्स हम लोग भी मेरा ये छोटा वाला बेटा है फ्रेंड, तो बहुत ही परेशान करता है और हो गया 2-4 दिन और फिर उसका स्कूल भी खुलने वाला है 16 जून से, तो फिर जाने लगेगा स्कूल। और ये फ्रेंड्स ये रोज़ रोज़ मतलब वही वही खाना पीना खा खा के हम लोग का मन उब जाता है, इसलिए आज मैंने बड़ी सब्ज़ी बनाई थोड़ी मसाले वाली, तो चलिए बना लेते हैं उसको। तो इसको मैं लहसुन प्याज छील कर मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी और फिर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मेरा मन मायके जाने का है, मतलब ये मन बनाया था मायके जाने के लिए, तो क्या है ना अभी इस समय टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी ये जो चल रहा है शादी के सीज़न, तो यहीं आना जाना हो रहा है हमारा, और ये गर्मी की छुट्टी हमारी ऐसी ही निकल गई है पूरी, कहीं घूमना फिरना नहीं हुआ है, बस वो शादी के मतलब निमंत्रण से एक दिन के लिए हम लोग मैं जाया करती थी, तो अभी जाएंगे हम लोग, थोड़ा मेरी लड़की आ जाए तभी जाएंगे। तो पहले फ्रेंड्स मैं ये बड़ी को ना थोड़ा सा तेल में तल लूँगी और फिर बनाऊँगी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो उसका मसाला मैंने बघार दूँगी और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। अब फ्रेंड्स मैंने इतने ही तेल में बनाया है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है क्योंकि फ्रेंड्स इस समय इतनी गर्मी है ना कि आप ज़्यादा मसाला तेल या फिर मिर्च का कोई भी खाना खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा ही, क्योंकि गर्मी भी है ऊपर से, ऊपर से आप गर्म चीज़ें जैसे मसाले ये खाएंगे तो आपको नुकसान कर देगा, इसलिए आप बहुत ही कम खाइए। इसलिए मैं ज़्यादा तेल या मसाला नहीं डाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसमें प्याज लहसुन डाल दूंगी और उसको अच्छे से भून लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग का खाना बन गया है, और कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छे आइए फ्रेंड्स खाना खा लीजिए आप भी। तो कैसा लगा आज ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। ओके बाय।